बाकी सही है। बाकी हाँ, मैं आज बीच में इसमें इसलिए आया हूँ क्योंकि क्योंकि यहाँ आए थे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी तो मिलिए मोहित जी से जो रहते हैं पीजी मेंस में। मोहित जी कैसे हो? सब बढ़िया है भैया। और बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया है। एक बार बताता हूँ, मैं हूँ एमसीए 3 साल वाला, मुझे फर्स्ट बैच है एमसीए 2 साल वाला। 2 साल भैया, कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा, 2 साल का रिकॉर्ड 1.5 साल है भैया। 1.5 साल हाँ, फिर प्लेसमेंट भी तो है ना लास्ट भाई है। देख लास्ट बैच है 3 साल वाला, फर्स्ट बैच है 2 साल वाला भाई। लगी पड़ी है, लगी पड़ी है, लेकिन मजे भी आ रहे हैं। हाँ सही लग रहा है, कंपटीशन मिल रहा है पूरा। हाँ बहुत सारा कंपटीशन है। बाकी सही है। बाकी हाँ, मैं आज बीच में इसमें इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ आए थे राहुल गांधी जी, है ना। हाँ मैं इसमें खाना खाया था उन्होंने। हाँ तो काफी मतलब दे न्यूज पे आया था ये हॉस्टल, तो फाइनली आज मैं आया हूँ इस हॉस्टल का टूर देने। तो देते हैं पूरा हॉस्टल दिखाते हैं विद मोहित। ओके, मोहित का रूम है, मोहित का रूम का टूर दिखा देंगे एक बार। बाकी क्या क्या फैसिलिटीज है, जिम वगैरह मैस वगैरह सब दिखा देंगे, सब दिखा देंगे। और इस हॉस्टल की एक खास बात है कि इस हॉस्टल में सबको सिंगल रूम मिलता है। अरे बोई जो मस्त है भाई, मैं तो डाली वाला हूँ। और पीजी मेंस अपने खाने के लिए जाना जाता है पूरे डीयू में, टेस्टी खाना सबसे मतलब हाई फाई। और मैं कोठारी वाला हूँ, आपको पता ही होगा भैया, तो वाइस प्रेसिडेंट है अपने हॉस्टल के। अरे भाई सच भी नहीं बोलना था, मैं रहता हूँ कोठारी में, दो जिसे हम शेयर करते रहो, मुझे सिंगल रूम है भाई, देख सकते हो आप, सिंगल रूम विद बालकनी। बाकी टूर दिखाता हूँ आपको मैं पूरा इस रूम का, सेम रूम ऐसे ही है। कितने रूम है? 100 रूम्स सेम एक जैसे, पीएचडी को भी सेम रूम मिलता है। एंड सिर्फ सीआईसी वाले ऐसे ही रूम में 2 लोग रहते हैं, अरे वो यूजी कोर्स के। अरे भाई बढ़िया। और यूनिटी भाई एक मैं मार सकता हूँ, जहाँ यूनिटी बहुत तक स्ट्रॉन्ग है यार, अनअपोज्ड इलेक्शंस हुए हैं हमारे यहाँ, बोल सकते हैं किसी ने अपोज नहीं किया, हमने अपने खुद लोग चुने हैं बहुत से, यही भाई यही होती यूनिटी। बाकी टूर दिखाता हूँ, बाकी बात करेंगे भी इसमें, एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, ठीक है, ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं लेना, नॉर्मल बातचीत होगी, ठीक है। बाकी मोहित जी जब जहाँ रहते हैं तो दोस्तों, चलो अपने दोस्त का, अपने जूनियर है मेरा, वो एमसीए फर्स्ट ईयर वाला, उसका रूम दिखाते हैं, उसका रूम का टूर दिखाते हैं। वैसे सेम रूम है पूरे पीजी मेंस में, तो चलते हैं। ये रहा इसका रूम 84, और ये देख सकते हो द कंस्ट्रक्शन चल रही है, बाकी देख सकते हो। चलो हाँ जी, कैसे हो? सब बढ़िया है। ये रहा मोहित, आज कैसे? अरे भाई यूट्यूबर कहीं भी निकल जाते हैं। बहुत सही। बाकी अब टूर दिखाते हैं इसका, तो मोहित दिखाएगा, दिखा। ये अलमीरा है, अपना फ्रंट एंट्रेंस है, या ये अपना अलमीरा है, ये अलमीरा अंदर से नीचे गाड़ा, कोई पर्सनल चीजें रखी होती है, ये अलमीरा है, एंड ये अपना स्टडी टेबल, हाँ काफी बड़ा है, मेरे से बड़ा ये भाई स्टडी टेबल, एंड दो चेयर्स, दो चेयर भाई सिंगल बंदे के लिए है, ये सब कुछ याद रखना, एंड ये अपना कूलर, ये तो इसने लिया पर्सनल कूलर है भाई, ये अपने कर्टेंस लगे हैं, हाँ। ये शेल्फ है और एक ये शेल्फ है, अरे ये और एक ये शेल्फ है अपना, यस सामान ऊपर अपना सामान रखा हुआ है, सामान तो काफी रखने वाला है भाई, मतलब काफी सामान रख सकते हैं अगर, है ना। हाँ काफी सामान, और ऊपर भी है पोर्शन, इससे ज्यादा हमारे पीएचडीज ने रखे हैं सामान, उनको तो स्टाइपेंड मिलता है। हाँ और देख सकते हो आप, ये बालकनी है, ये बालकनी है, सामने वायरल, ये वायरल है, एंड वहाँ जिम है, एंड इधर बैडमिंटन कोर्ट है, ओके, और आगे अपने पार्किंग, एंड सिर्फ हमारा हॉस्टल है इधर आसपास में जहाँ पार्किंग स्पेस बहुत है, ओके, मतलब दूसरे हॉस्टल के भी यहीं पार्क करते हैं। बाकी हम जिम दिखाएंगे आपको, मैथ्स दिखाएंगे, लाइब्रेरी दिखाएंगे, कॉमन रूम दिखाएंगे, कॉमन रूम दिखाएंगे,
ओके कल ही इनॉग्रेशन हुआ कैंटीन का, वो भी दिखाएंगे। कैंटीन भाई कैंटीन खुल गई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। लेकिन ये नहीं पता होगा डीयू में जिस हॉस्टल में कैंटीन होती है वहाँ के रेजिडेंट्स को 50% ऑफ मिलता है। मैं आऊँगा हर दिन आऊँगा रोज जरूर जरूर। बाकी ये कूलर के लिए भाई पहले से बना है, मैंने से बना है और हमने स्टैंड लग लिया था भाई कूलर का। चलो चलते हैं दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है इनकी, जल्दी असेंबल होगी और इनका वॉशरूम आपको दिखाता हूँ। वॉशरूम देख लो भाई, अभी तो हमारा सेमी ऑटोमेटिक और थे ऑटोमेटिक भाई साहब। एक बार डालो कपड़े, जब सूख जाएंगे तब निकालो है। सब प्रोटेस्ट करने के बाद मिला है भाई, यूनिटी है, यूनिटी यूनिटी के कारण सब कुछ हो रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा समझ लीजिए। अनपोज्ड इलेक्शंस नहीं होते हैं, सिर्फ विजिलेंस में हुए। और कल क्या था, कल भी बता दे, कल हमारे यहाँ ग्रैंड डिनर था, कितना कुछ होना था भाई, मुझे भी इन्विटेशन दिया था पर महंगा पड़ रहा था। ठीक है कोई नहीं, फ्रेशर्स में आइएगा बिल्कुल, सबको अभी तब के बाद टीम नहीं शेयर करनी। वो दोस्तों ये कैंटीन बन रही है, कल ही कल ही इनॉग्रेशन हुआ, कल ही कल इनॉग्रेशन हुआ रात में, प्रोफेसर ने किया। तो क्या क्या मिलेगा इधर, यहाँ ऑल दो जो सब बॉयर हॉल में मिलता है सारी चीजें। नाइस, फॉर रेजिडेंट्स 50% ऑफ, फॉर आउटसाइडर्स फुल रेट। आ जाना भाई फुल रेट में सामान ले लेना, और ज्यादा कुछ हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। नहीं नहीं ये बिजी रहेगा भाई, दे बस मेरे लिए कुछ नहीं, काट काट दो काट दो काट दो। बाकी दे देख सकते हो आप, पार्किंग है, पार्किंग है उधर, कार पार्किंग है हमारी, ये कार पार्किंग है पूरी, कॉफी स्पेस है भाई। शाम को बहुत सारी कार्स लगी मिलेंगी आपको, और देख सकते हो बैकग्राउंड, कभी तो लगता है यहाँ के स्टूडेंट्स कार रखते हैं, स्टूडेंट कहाँ लेके आते हैं लेकिन हमारे पास नहीं है अभी, कूलर लगाए हुए हैं, कूलर लगे सबके बाहर लगे हैं, देख सकते हो बीजी मेंस सबके पर्सनल रूम्स हैं। मेन बात हुआ था कि मास्टर वालों के भी सिंगल रूम है, पीएचडी वालों को भी है, वो तो सेम रूम है। और हमारे कोठारी में क्या है, मास्टर वाले को शेयरिंग है और पीएचडी वाले को सिंगल रूम है, हर हॉस्टल में है, हर हॉस्टल में ऐसा है, सिर्फ पीएचडी। यस बाकी चलो, हाँ जी तो भूल ही गए, जी तो ग्वायर है साथ में, साथ में ग्वायर हॉल भी है, जी ग्वायर हॉल है भाई, ग्वायर की कभी करते हैं लोग, कभी टाइम मिलेगा तो वहाँ भी दिखाएंगे, वहाँ भी अपना उसका भी उसका भी ब्लॉग निकाल ही देंगे ना। हाँ हाँ, एक कौन सा मानसरोवर का भी है, वो भी टाइम मिलेगा निकाल देंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल, हाँ यस वो भी है, वो भी निकाल देंगे, पर टाइम मिलना चाहिए भाई, है हमारा बैडमिंटन कोर्ट है ये देखो। एंड बहुत जल्द ही हमारे यहाँ क्या कहते हैं इंटर हॉस्टल स्पोर्ट्स मीट भी होगी, है सच में, हम लोग कॉम्पिटिट करेंगे, हम लोग क्रिकेट वगैरह होगा, हाँ अभी मैं आऊँगा, हम लोग कॉम्पिटिटर हैं, दूसरे हॉस्टल में मुकाबला पूरा जबरदस्त होने वाला है, मैं हो सके वो भी कवर करूंगा। अपने डिपार्टमेंट का भी तो होता है भैया, आपने दिखाया है, हाँ पूरा स्पोर्ट्स दे भाई, यहाँ पे हमारे आरटी सर रहते हैं, उनका घर है ये वाला, हाँ आरटी सर रहते हैं, ओके हॉस्टल में ही आरटी सर रहते हैं और किसी हॉस्टल में नहीं रहते, सही बात है। और दोस्तों की मैंने अपने कोठारी का बना दिया ना पूरा ब्लॉग, देख सकते हो ठीक है, और आज मैं पीजी मेंस का बना, सेकंड हॉस्टल पीजी मेंस का, अब तक काफ़ी टाइम बाद, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, हाँ बहुत टाइम बाद, वो भी है भाई बिजी थे काफ़ी, प्लेसमेंट्स भी आ रहे हैं, अरे भाई सही बोल रहे हैं, ये अपना जिम है और जी जिम रहा, और ये दिखा देते हैं, ये एक दे रहा बैडमिंटन का कोर्ट, ओ भाई साहब बॉक्सिंग पंच, अरे डंबल, अरे यार मैं तो इधर ही आया करूंगा भाई जिम करने, मेरे उधर भी है पर इतनी वेट नहीं है अभी तक, और मुझे ना ये चीज अच्छी लगती है, कहाँ गई अजय वाले, इसमें इसमें रोब लगा के डोले बनाओ और डोले फूल जाते हैं, हाँ दोस्तों मस्त जिम है यार, नाइस फुल मशीन है भाई, पुलिस बार भी है, इतने बड़े बड़े शीशे, पंखे सब अच्छे है यार, रोब भी है यार, काफी अच्छा है यार, हैं यहाँ कर लेता हूँ मैं, नाइस
रिपीट करने वाला हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखी तो देख सकते हो आप भी। अब आपको लगाते हैं लाइब्रेरी। ओह नाइस, बहुत सही, देख सकते हो आप। अच्छा यार, ये सामने क्या है? ये क्या था? वही गेस्ट हाउस का ये पार्ट है। जी गेस्ट हाउस है। और भाई दे रीडिंग रूम है, न्यूज़पेपर पढ़ो, यहाँ कुछ भी करो। ये जो हमारी लाइब्रेरी इन एलम के नाम पे जानी जाती है। यस, इनके नाम पे अजीत सिंह यादव लाइब्रेरी। एंड एक रीडिंग रूम ये भी है, लिविंग मैगजीन की, बंद रहता है। क्यों क्यों पता नहीं क्यों, अभी रिसेंटली अभी काउंसिल फॉर्म हुई है, वो भी हम खुलवा देंगे। उधर वो ये वॉशरूम है हमारा, वो जो वॉशरूम है। चल चल चल, वॉशरूम नहीं दिखाने बार बार। हाँ बोल सकते। नाइस, काफी बड़ा है। हाँ एसी चल रहा है, और काफी बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी काफी बड़ी है, शाम का काफी है ना, बढ़िया। तो दोस्तों मैं हूँ सेकंड ईयर से, जिसे हॉस्टल मिला है कुठारी, और ये फर्स्ट ईयर वाले, इन्हें कौन कौन से हॉस्टल मिले दिखा बोल सकते हैं? हाँ हाँ, हमारे बैच में चार हॉस्टल्स मिले हैं, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन एमसीए कि चार बच्चों को हॉस्टल मिले। yes. अलग 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 अलग, वो भी एक बच्चे को मिलना मुश्किल होता है एमसीए से। yes. एक मुझे पीजी मेंस मिला है, मेरे फ्रेंड को गवायर मिला, गवायर मिला है, एक कोठारी मिला है, कोठारी मिला, मानसरोवर मिला, मानसरोवर मिला है, एंड आईएसएच भी है। आईएसएच भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हूं। बट एक नहीं है, जुबली। भाई जुबली में हमारी सीट ही नहीं है। जुबली में सीट ही नहीं है हमारी, वो भी काफी बड़ा था। सीट होती तो हमें मिल जाता है। वहीं पे भी मिल जाता भाई, हर जगह एमसीए वालों का नाम है। एमसीए ओनली एमसीए, बहुत सही सही है। 220 सीट रूम। दोस्तों ये रहा कॉमन रूम। टीवी, टीटी, टीवी है, कैरम है, बाकी कल कल डांस कर रहे थे ना तुम? ये हार्ड ग्रैंड डिनर। अरे काफी एंजॉय कर दिया यार, पूरी एंजॉय किया कल, वो ग्रैंड डिनर था, बाकी भी नाचे गाए यार, कुछ क्या नाम है, खाने में बहुत कुछ था हमारे यहाँ। अरे भाई बात के लिए, बात के लिए, रात के लिए रख लो। तो फाइनली मैथ्स देख लो, मैथ्स बहुत अच्छी है, हाइजेनिक है। नाइस, बहुत सही यार, पीजी मैन भाई, पीजी मैन लेवल है, लेवल है हॉस्टल का। पनीर कट रहा है भाई, और दे अंदर, और दे सब्जी वगैरह। यस, आज क्या बनेगा? आज क्या है? आज पता नहीं क्या है, पनीर है और क्या है, तुझे दिख नहीं रहा? हाँ पनीर कट रहे, दिख नहीं रहा कुछ? हफ्ते में 3 दिन पनीर होता है। हम भी पनीर खाने वाले हैं भाई, और 3 दिन पनीर खा खा के ना, मतलब पनीर ही हो गया है। शाम को तो स्वीट्स होती हैं हर वक्त। चाय पिलाते हैं आपको दोस्तों, आप भी कभी आइए चाय पे, आप लोग भी। यस, चाय पे आना पक्का, तो जरी चाय। और मैंने देखा मतलब ऑलमोस्ट पूरा हॉस्टल घूमा, अच्छा है भाई, सब बंदे भी अच्छे हैं, सब बंदे भी अच्छे हैं, सब अच्छा है, बाकी लेवल भाई हॉस्टल का साफ, हाइजीनिक है, सिंगल रूम है, जिम अच्छी है, मैस अच्छी है, कॉमन रूम अच्छा है, तो जी चाय अच्छी है भाई, चाय बड़ी अच्छी है। तो दोस्तों चाय पी लेते हैं। नाइस मोहित, हाँ ठीक, सही है, सही है, कैसा लगा तुझे? सब बढ़िया, मतलब यहाँ जब से मैं आया हूँ, स्टार्टिंग में मैंने क्या सोचा था, पहले स्टार्टिंग में पीजी में था, एंड पीजी का पास रिवील नहीं करूँगा, कुछ ज़्यादा ही था, जो कहेगा कि इतने महंगा पीजी में कौन रहता था। तो एक बार आया, मुझे नहीं मिली, तो मैं सोचता था कि हॉस्टल में थोड़ा सा खाना होता होगा, छोटा सा रूम होता होगा। हाँ आपसे पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया,
की हॉस्टल है बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ खाना सबसे अच्छा मिलता है एंड रूम भी बहुत अच्छे रहते हैं एंड यूनिट सबसे अच्छा यहाँ का क्या कहते हैं जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, और दोस्तों देना उनकी मैस सरकारी है, गवर्नमेंट है, हमारी कोठारी की थोड़ी प्राइवेट है, तो मतलब इन द क्या बोलते थे इन द बजट इनका इनका कम है पी जी में का, ऑलमोस्ट इनको पड़ जाता है 6K के आसपास पड़ जाता है, उसके अंदर ही पड़ जाता है एटमोस्ट, बहुत ज़्यादा था 6K, मेरा लास्ट मंथ 5600 था। और दोस्तों हम दे रहे हैं 7K तक, सारी फैसिलिटीज इंक्लूड करके ये खाना पीना रहना सब है। नाइस, बहुत सही। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज देखते हैं हमारे यहाँ पी जी मेन्स में क्या खाना है। ओके, टुडे हैव टुडे वी हैव रायता, आलू की सब्जी एंड सैलेड, चपाती, मटर के साथ एंड छोले एंड छाछ, और हमारे यहाँ राइस भी, और ये सब हमें सर्व किया जाता है, हमें लेने नहीं लेके नहीं जाना पड़ता। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन डिनर। राहुल, दिस इज कोफ्ता, कोफ्ता एंड सेवैया, वी हैव राइस, सैलेड एंड फॉर द नॉन वेजिटेरियंस वी हैव एग करी। पहले क्रिकेट खेल रहे हैं, जो लव है क्रिकेट, पहली बैटिंग आ गई थी। रनिंग अलाउड है। तो दोस्तों फाइनली क्रिकेट भी खेल लिया, अपना लव अपना प्यार क्रिकेट भी खेल लिया तभी मोहित के कारण। थैंक यू मोहित, थैंक यू भैया आपको आने के लिए, इनवाइट करने के लिए, घुमाया इतने पूरा मुझे पूरा हॉस्टल घुमाया इतने, आपको भी मुझे डेज कोठारी घुमाना पड़ेगा। बिल्कुल, आ जाना कभी भी भाई, और जरा हमारे पीछे पीजी में एक दिन आप सामने घूमने चलेंगे स्टेडियम। हाँ जी, स्टेडियम सामने ही है दोस्तों, बाकी मजा आया। तो दोस्तों आपको ब्लॉग कैसे लगा, मेरे साथ मोहित, आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। हाँ जरूर बताइएगा, आपको लाइक सब्सक्राइब करना शेयर करना, बाकी चीज़ नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग लेके आता रहूँगा, बस अगर टाइम मिले, टाइम की बड़ी पाबंदी है भाई, बहुत प्रॉब्लम है, काफ़ी ब्लॉग्स हैं मतलब टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो देखेंगे जब भगवान करे टाइम मिलेगा तो हम ब्लॉग बना देंगे। वो जरा पी जी मैन, बाकी क्रिकेट खेला भाई, क्रिकेट मज़ा आ गया पूरा। थैंक यू, थैंक यू भैया।